लेकिन उस घाव का क्या जो 14 साल पहले दिया तुमने मुझे, उससे मेरा बेटा छीन कर, एक बार नहीं दो दो बार छीना मुझसे मेरा बेटा। अयो सिस्टर दीदी, गिरी कैसे? गिरी नहीं, मैंने संभाल लिया। बीपी बहुत लो है। मिस कपूर से मिलने गई थी। फर्ज निभाना चाहती हो ना अपना, तो बस एक एहसान कर दो, मुझ पर दूर चली जाओ। देखो हर दिन में रोने के लिए एक मिनट मिलता है, तुम्हारा एक मिनट हो गया। देखो अमृता, देखो वो नाराज है, उन्हें वक्त लगेगा, शीज उन्होंने अपना बेटा खोया अमृता। और मैंने अपना सब कुछ नहीं खोया क्या तारे? I'm sorry, मुझे इस तरह से बात नहीं कर, जानती हूँ उस हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं और मुझे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना। नहीं नहीं, दिन में कुछ समय निकाल सकते हैं रोने के लिए, मैं रूल बुक में लिख दूंगा। तुम्हारा बीपी इतना लो कैसे हुआ? खाना नहीं खाया था? हाय सच्ची, डॉक्टर करने से उठा लिया बाहों में, और स्ट्रेचर की भी जरूरत नहीं पड़ी, दीदी फेंट हो गया था ना इसीलिए। हाय, मैं भी बेहोश होना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। मैं सिस्टर दीदी को देख के आती हूँ। ओए रुक, नहीं ना जाना, थोड़ी देर के लिए दोनों को कले ही रहने देना, मजा तो तब आए जब कोई सिस्टर दीदी पे रॉब जमाने वाला मिले। मलिका, सिस्टर दीदी पे आज तक कभी कोई रोब जमाने वाला पैदा नहीं हुआ।
नहीं 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 क्या नहीं अरे यू नीड दिस हाथ लो नहीं मैं दवा ले लूंगी अरे दवा से नहीं होगा तुम्हें हायर डोज से क्या नहीं नहीं जानती नहीं मैं कभी नहीं लगवाती Are you serious? मुस्कान हॉस्पिटल की हेड नर्स यहाँ की सिस्टर दीदी इंजेक्शन से डरती है नहीं मैं डरती नहीं हूँ मैं बस मैं दवा प्रेफर करती हूँ I don't believe this तुम इतनी डरपोक मैंने सोचा नहीं था मैं डरपोक नहीं मैं अब ठीक फील कर रही हूँ तो मैं ड्यूटी अमृता stay here अमृता you need this love नहीं मैं लूंगी नहीं अमृता बच्चों जैसे बिहेव मत करो हाथ दो नहीं मुझे नहीं लगवाना अमृता तुम्हें लगवाना पड़ेगा मैं डॉक्टर हूँ मैं कह रहा हूँ हाथ दो देख तो जरा कैसे झाड़ रहा है देखना नहीं मैं ठीक हूँ मैं दवा खा लूंगी ना बस अमृता ग्रो अप क्यों बिहेव करो अपना कारण अगर इतने अच्छे डॉक्टर हो तो बिना इंजेक्शन के ठीक करके दिखाओ फिर मान लूंगी मैं सारी गई ना हाथ दो हर बात पे तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी मैंने क्या मनमानी की हर बात पे करती हूँ और जब तुम्हारी बात ना मानी जाए तो एक लिस्ट लेके आ जाती हूँ यूनियन वालों की तरह ए इधर देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ वो लिस्ट लानी ना जरूरी थी डॉक्टर का क्योंकि आपने जो रूल्स की लिस्ट बनाई थी वो इतनी ज्यादा डरावनी थी कि मैं देखा पता भी नहीं चला चीटिंग कहते हैं इसे बहस करते हुए खुद को भी भूल जाती हो वैसे अमृता तुम्हारी रूल्स को ना मानने की आदत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी रात को खाना नहीं खाया ठीक से सोई नहीं चक्कर आ गए बेहोश हो गई अगर ऐसा चलेगा तो मुस्कान हॉस्पिटल का क्या होगा अमृता हम केयर गिवर्स हैं स्पेशली नर्सेस तुम्हें तो फिट रहना ही पड़ेगा अगर खुद ही बीमारियों का घर बन जाओगी तो बीमारी का इलाज कैसे करोगे देखो अमृता रूल्स को तो फॉलो करना ही है लेकिन अगर तुम चाहो मैं तुम्हें मिसेस कपूर की ड्यूटी से हटा सकता हूँ नहीं मम्मी ने कहा ना मैं एक नर्स हूं और वो एक पेशेंट पेशेंट होकर वो मुझसे नफरत कर सकते एक नर्स होकर मेरा फर्ज है उनका ध्यान रखना ठीक है तुम्हें अरेस्ट नहीं उनका वो मेडिसिन का अगला डोज देना है उन्हें तो मैं वहीं जा रहा हूँ तुम यहाँ पे रेस्ट करो अंदर जाके मिल लो दीदी आप कल रात सोई भी नहीं और आपने नाश्ता भी नहीं किया था पाव लंच भी नहीं किया था अरे मैं ठीक हूँ बॉबी तुम्हें भी कोई ताना मारना नहीं नहीं मैं तो बस डॉक्टर करण ने मुझे बुलवाया हाँ तो जाओ टेंशन मत लो तुम लोग मैं सच्ची में ठीक हूँ वैसे माना पड़ेगा आज डॉक्टर करण ने वो करके दिखाया जो इतने सालों में कोई और नहीं कर सका आपको इंजेक्शन लगा दिया सच्ची सच्ची बोलना दीदी आपको भी डॉक्टर करण से डर लगती है ना आंटी कैसी हैं आप ठीक हूँ कैसे ठीक हैं क्या नर्स ने चेंज नहीं किया नहीं
वो एक्चुअली कोई बात नहीं, मैं नर्स को भेजता हूँ। करण, मैं नहीं चाहती हूँ कि अमृता यहाँ आए। आपका मतलब है नर्स अमृता? देखिए आंटी, आप इस वक्त इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट की हैसियत से हैं और आपके इलाज के लिए हॉस्पिटल नर्सेज असाइन करता है। वो सिर्फ अपना काम कर रही थी, आपकी बहू की हैसियत से यहाँ पे नहीं आई थी। लेकिन फिर भी आप चाहती हैं कि नर्स चेंज हो तो ठीक है, मैं नर्स बॉबी को कह दूंगा। I'll see you later. ये जरा चेक करिए, द नीडल इज हर्टिंग मी। सिस्टर, सिस्टर बॉबी को बुलाओ। बॉबी नर्स, आप नर्स हो? जी। हो गया, ध्यान रखिए। मैंने आज का रोस्टर बना लिया। अरे वाह, वेरी गुड। साइड, डोंट वरी। बड़े लोग आप पहुंचे आज तो। भला हो साडा, कैसे इंस्पेक्टर सर? वैसे आज आप किस मर्ज की दवा लेने आए हो? जी वो बात ये है। ओ महर, आजा भाई, कर ले इनका इलाज। जी वो नर्स, मैं देखिए। जरा आप आइए मेरे। जी आइए। ऐसा है, मैं काफी समय से देख रही हूं कि तुम यहां बेवजह चले आते हो। एक बात तुम मेरी अच्छे से सुन लो, मुझे नहीं पढ़ना इन सब चीजों में, मुझे सब चीजें नहीं पसंद। मैंने ये भी देखा है कि जब से आपकी ड्यूटी लगी है तब से जी, 10 महीने से कैलेंडर नहीं मांगा है मैंने तुमसे। जब से तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पे लगी है, हर दूसरे दिन में उठ के तुम यहाँ पे चले आते हो। ना ही तो कोई वजह है तुम्हारे पास और ना ही कोई बहाना। देखो, मैं सीधी बात करने वालों में से हूँ, फ्लर्ट करने की कोशिश भी मत करना। ना जाने आप कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये सब चीजें नहीं चलती हैं। उल्टा तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे तकलीफ होती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आइंदा से तुम मुझे यहाँ पे ना ही दिखो। ये मेरे काम करने की जगह है। मानो तकलीफ थी, माफ कीजिए, लेकिन एक पेशेंट है जिसका हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया था, हिट एंड रन केस है, उसको यहीं पर लेकर आना पड़ा। लेकिन अब जब बात खुली गई है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इसलिए आता था ताकि आपकी एक झलक देख सकूं, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। और मैं इसके लिए आपसे माफी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि दिल के मामले में माफी नहीं मांगते। और हाँ, अपनी साथी नर्सिस को कह दीजिए कि मामला बहुत संगीन है, मैं मजाक ना करें। अच्छा, मैं चलता हूं।
हाय हाय क्या बात है, तू तो पहली बार में सीधा उसे एक लेकर आ गई। अजी वाह। शट अप मलिका, तुझे काम के अलावा बाकी सब बातें सोचती है ना, चुप करके काम कर। हाँ बेबे, सुला दिया शैतानों को? सो गए आखिरकार। अब मैं धमकी दे दी किसी की, मैं क्या सो जाओ वरना लोरी सुना दूंगी, डर के सो गए। अच्छा सुनो, सूरज के पास ना उसका वो सुपरमैन वाला टॉय रख देना, वरना बीच रात में उठ के हंगामा मचाने लगेगा। हाँ लेके ही सोया हुआ है। अच्छा सुन 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 सुन। हाँ। मैंने सुना आज एक बड़ी खास खबर है। बेबे इतनी रात को गप्पे सूझ रहे हैं आपको है? अरे बता ना, बड़ी खबर सुनी है मैंने। सुना आज हमारी सिस्टर दीदी ने चुपचाप सुई लगवा ली। ये मलिका की तो मैं गॉसिप क्वीन है एक नंबर की। ए, डरा धमका के दीप्ति सी की है? नहीं बेबे, बातों में उलझा के दिया। वाहेगुरु दी कृपा है की। अच्छा सुनो, मुझे ना बहुत सारा काम पड़ा, अब आप भी सो जाओ ठीक है। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट बच्चे। हेलो मैम, क्या मैं मिसेस अविनाश कपूर से बात कर सकती हूँ? हम अपने क्लब्स एंड रिसॉर्ट्स की तरफ से एक उन्हें ऑफर देना चाहते हैं। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, थैंक यू। मैम आपकी फैमिली ने हमारे साथ हॉलिडे की थी 2 साल पहले, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था। इनफैक्ट आपके हस्बैंड ने ही कहा था कि हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहें अपने पैकेजेस के बारे में। मैम इस बार का ऑफर बहुत अच्छा है, फिर से नहीं मिलेगा, एक बार सुन तो लीजिए। वो आपकी एनिवर्सरी आने वाली है ना, हमने उसके लिए स्पेशल पैकेज बनाया। देखिए मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, थैंक यू। लेकिन मैम आपको समझ नहीं आ रहा है क्या, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ ना मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं आना है आपके यहाँ, ना वीकेंड पे, ना बर्थडे पे, ना एनिवर्सरी पे, कभी नहीं, समझ गया? सॉरी मैम, डॉक्टर कपूर से बात करूँ मैं? नहीं कर सकते आप उससे, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो miss you.